जो ज्ञापन तैयार किया है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तैयार किया है और जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से हमारा ये ज्ञापन जाएगा। इसमें हमारी जो मुख्य मांगे हैं, हमारा जो विषय है मेन, इसमें ये है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किए जाने पर निदेशक महोदय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के द्वारा मानदेय रोके जाने वे मानदेय वृद्धि के संबंध में। महोदय, आपको अवगत कराना है कि हम सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती व सहायिकाओं के द्वारा 22/10/2017 से 22/12/2017 तक अपने जायज मांगों के लिए आंदोलन किया था, जिसमें आपकी सरकार ने मानदेय देने चुनावों के दौरान आपने घोषणा पत्र में 120 के दिन के अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं को सम्मानजनक मानदेय देने व उनकी सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। सरकार को सत्ता में आए हुए 8 माह होने के बाद भी हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया था। मजबूर होकर समस्त उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं ने आंदोलन जारी किया था। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम सभी महिला बाल विकास की धुरी हैं, हम सभी गर्भवती महिलाओं की देखभाल से लेके 0 से 6 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। इसके साथ साथ 4 घंटे आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन व 1 घंटे गृह भ्रमण करती हैं। यह विभाग के 16 रजिस्ट्रों का कार्य अंकित करती हैं। हम अपने विभाग के कार्यों के साथ साथ अन्य विभागों के कार्य भी पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ करती हैं, जैसे BLO, पोलियो, टीकाकरण, निर्वाचन कार्य, जनगणना, आर्थिक गणना आदि। इसके एवज में हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं को 4,000/2,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाता है। इस महंगाई के दौरान में इतने कम मानदेय से परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। अनपढ़ मजदूर की मजदूरी भी 350 रुपए प्रतिदिन अतः है। अतः माननीय से आप अनुरोध किया जाता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय 18,000 व सहायिकाओं का 9,000 रुपए मानदेय दें और हमारी अन्य जायज मांगों को भी जल्दी से जल्दी पूरा करने की कृपा करें। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार महोदय के द्वारा रोका हुआ मानदेय तुरंत दिलवाया जाए। हम सभी जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाएं सदैव आपकी आभारी रहेंगे। हमारी जो अन्य मांगे हैं, नंबर 1 पे हमारी मांग है हमें राजकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। जो हमारी दूसरी मांग है ये है उत्तर प्रदेश सरकार अपने घोषणा पत्र का पालन कर 18,000 आंगनवाड़ी मिनी आंगनवाड़ी को वे 9,000 सहायिका को मानदेय प्रदान करे। अपने अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि श्रम कानून यानी ट्रेड यूनियन के तर्ज आंगनवाड़ी संघ को मान्यता दे और हर 3rd महीने आंगनवाड़ी संघ से समस्या सुनकर समाधान करे। सरकार 28 सितंबर के मुख्य सचिव के द्वारा हुए संघ के समझौते का अनुपालन कराए तथा साथ ही 19 सितंबर 2012, 8 मार्च 2013, 22 जून 2013, 22 फरवरी 2014, 17 सितंबर 2015, 28 सितंबर 2016, 30 जून 2017 का पालन कराए। नंबर 5, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को 15 दिन का मानदेय सहित चिकित्सा अवकाश और इलाज के लिए धनराशि दी जाए। नंबर 6, आंगनवाड़ी कार्यक्रम विकृत पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए हर 5 साल में कुर्सी, मेज, बहुत सी आवश्यक बर्तन खरीदने, बच्चों को ड्रेस पहनने के लिए और बैठने के लिए टाट पट्टी, मुख्य नर्सरी स्तर पर कलर पेंसिल और स्लेट आदि प्रदान करें। नंबर 7, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं को प्राइमरी स्कूल की भांति शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया जाए। नंबर 8, अन्य राज्यों की तरह पेंशन की धनराशि सेवानिवृत्ति के बाद देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। नंबर 9, हार्ड कुक मील 300 दिन का बजट न देने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और हार्ड कुक गर्म भोजन नियमित दिए जाए। वार्षिक मानदेय वृद्धि 2,000 प्रति कार्यकर्ती व 200 रुपये प्रति कार्यकर्ती व 100 रुपये प्रति सहायिका को दिया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को अधिकारियों के द्वारा कराई जाने वाली बैठकों में भाग लेने के लिए शासनादेश के अनुसार यात्रा भत्ता दिया जाए। नंबर 12, कार्यकर्तियों को प्राथमिक शिक्षकों व पंचायत मित्रों ग्राम पंचायत अधिकारियों में 25% कोटा दिया जाए। नंबर 13, जिले बुलंदशहर परियोजना की आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को 2015 में 2 माह के रुके हुए मानदेय का भुगतान तुरंत किया जाए। ये 2015 में सर 2 महीने का मानदेय इनका बिना किसी गुनाह के काटा गया था, जो कि बजट भी आया
और मानदेय नहीं निकाला और डीपीओ महोदय के द्वारा बजट को वापस कर दिया गया। जब आंगनवाड़ियों ने कहा भाई ग्रामीण का तो आ गया, शहरी परियोजना का क्यों नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि जी गलती से बजट वापस हो गया है। तो सर अगर गलती से बजट वापस हुआ है 2015 में तो इसका हर्जाना किसी कारण के रोक दिया गया था? कोई कारण नहीं था, कोई स्ट्राइक नहीं थी, कोई गलती नहीं थी, यानी वापस बजट को वापस कर दिया। ये हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी जो भी मांगे हैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, आप लोगों की जो भी मांगे हैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन स्तर को प्रेषित की जाएंगी, ठीक है? थैंक यू।